हेलो फ्रेंड, सो बात करेंगे लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। 13.04 करेंट प्राइस है एंड अपर सर्किट 4.99% का आज देखने को मिल रहा है। मैंने 13 रुपीज़ का टारगेट दिया था, उसे क्रॉस कर चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बिकॉज एंड में मैं आपको नेक्स्ट टारगेट्स डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी। कल फ्रेंड्स इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है एंड रिजल्ट के साथ ही कुछ न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी आई हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करूंगी बिकॉज 3 to 4 ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इस वीडियो में हम एक बार रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड मेन चीज नेक्स्ट टारगेट। आज बाइंग प्रेशर है 12,02,000 समथिंग एंड सेलिंग में कुछ भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं सिंपली हमें इसमें एक अपर सर्किट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, 21 जुलाई को 5 न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। एक इनकी एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है, सो 28 एनुअल जर्नल मीटिंग से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं, तो इसको मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करूँगी सो दैट आपको क्लियरली ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट समझा सकूँ। तो एक बार दोबारा देखते हैं, रिजल्ट डिस्कस करते हैं। जिन्हें समझ नहीं आया, रिजल्ट अपडेट हो गया है साइट पर। तो आप देखिए, रेवेन्यू आया है 50 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ के आसपास था एंड लास्ट ईयर में 50 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट 10 करोड़ आया है फ्रेंड्स अराउंड, जो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ था 1 करोड़ 25 लाख और उससे लास्ट ईयर में था 5 करोड़ के आसपास, तो बहुत ही अच्छा 10 टाइम्स हुआ है लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग एंड ट्वाइस हो गया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो अभी शेयर को रॉकेट बनते ने से कोई नहीं रोक सकता, बने रहिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। शॉर्ट टर्म भी है तो इतनी जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। EPS इम्प्रूव हो गया है 0.11, कैश EPS भी 0.11 हो गया है। आज आप प्रोमोटर होल्डिंग का पैटर्न पहले ही आ गया था, 57.65% है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी 93% डिलीवरी उठाई है लोगों ने बिकॉज सबको पता है कि ये शेयर अब यहाँ से भागेगा और आपको इस प्राइस पे अब नहीं मिलेगा ये, इसीलिए आप देखिए 93% तक की डिलीवरी उठा ली गई है ऑलरेडी। तो अब मेन चीज टारगेट्स, पहला टारगेट आप नेक्स्ट लेके चलेंगे 13.50 एंड लोअर साइड में 12.80 लेके चलिए, बट चांसेस किसके ज़्यादा हैं 13.50 के। ये आपको कल या मंडे को अचीव होता आराम से मिल जाएगा। अब हम इस शेयर में बैक टू बैक अपर सर्किट एक्सपेक्ट इजीली कर सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अब आप देखिए, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन है और इतना अच्छा प्रॉफिट आया है, तो शेयर क्यों नहीं भागेगा। सो कंपनी आगे बहुत चीज़ें और न्यू अनाउंस भी करेगी इन्वेस्टर्स के फेवर में, सो बने रहिए इस शेयर में। थैंक यू सो मच।